हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश दोस्तों हमारी यही है, हमने क्वेश्चंस को डिजाइन इस हिसाब से किया है कि आपके सब्जेक्ट को हम यहाँ पर इन 25-30 क्वेश्चंस में पूरा का पूरा कवर कर लें। ठीक है, ये पार्ट वन है, हम पार्ट टू भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट का आपको पार्ट वन प्रोवाइड कर दिया है, सभी सब्जेक्ट्स के सबसे पहले हम पार्ट वन को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाएंगे इन पार्ट से, उनको हम पार्ट टू में इनलिस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चंस को वेल एक्सप्लेन करेंगे हम यहां पर, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे। तो बस आपको कॉपी और कलम लेके बैठ जाना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं, जिसको बताऊं कि स्टार मार्क कर लीजिए, उसको तुरंत आप इनलिस्ट कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह से उसको ट्रीट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फार्माकोग्नोसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइंड बाय, सबसे पहला क्वेश्चन है और ये मान के चलिए क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या, फार्माकोग्नोसी जो टर्म है वो किसने क्वाइन किया था, है ना। यह क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जाए, द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए या पूछा जाए कि फार्माकोग्नोसी टर्म किसने दिया था, या एक तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका एक बुक है आपकी, इसको किसने रिटर्न किया था, मतलब इसको किसने लिखा था, कौन है इसके ऑथर। तो तीनों का आंसर सिमिलर है, सेम है, एक ही है, जो कि है हमारे सीए सिडलर। ठीक है, सीए सिडलर साहब ने एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में सबसे पहले टर्म फार्माकोग्नोसी को यूज किया था। ठीक है, फार्माकोग्नोसी टर्म क्या है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। फार्माकोग्नोसी में दो टर्म है, फार्माकॉन और ग्नोसिस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और ग्नोसिस का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज। तो अगर इसका हम टोटल सेंस देखें क्या रहेगा, तो टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द क्रूड ड्रग। तो यहां पर हमने बात किया तीन क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है हु इज द ऑथर ऑफ एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, या पूछा जाता है आपसे कि हु इज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, या आपसे पूछा जाता है कि फार्माकोग्नोसी टर्म वाज कॉइंड बाय, तीनों का आंसर एक है, कौन है, सीए सिडलर। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है आपका ग्रिफिन, दूसरा ऑप्शन है सीके कोकाटे, तीसरा ऑप्शन है सीए सिडलर और चौथा ऑप्शन है मिसनर। तो देखिए चारों ऑप्शंस में हमने आपको एक ऑप्शन क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब बचे तीन ऑप्शन आपके। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ग्रिफिन, ग्रिफिन नोट करके लिख लीजिए, आपको फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है ये और ये कंफर्म आएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एचएलबी स्केल, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, ये स्केल किसने दिया था, ग्रिफिन भाई साहब ने दिया था। ठीक है, नोट करके स्टार मार्क कर लीजिए, फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है आपके। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सीके कोटाटे, देखिए ये कौन है, ये फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी है। ठीक है, कौन है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी, डोंट गेट कंफ्यूज विद द इंडियन फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड ओवरऑल फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो कौन है, सीए सिडलर साहब। ठीक है, और अगर इंडियन फार्माकोग्नोसी फादर पूछा जाता है तो कौन है, सीके। ठीक है, तो देखिए अगला है ऑप्शन आपका मिसनर, तो मिसनर जो है इन्होंने एल्कलॉइड टर्म दिया था। आप पढ़ते हैं ना कि एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग ये है ऐसी है। ठीक है, तो वो टर्म किसने दिया था, एल्कलॉइड, ऐसी ड्रग जिनका बेसिक अपीयरेंस होता है एल्कलॉइड हम उनको बोलते हैं, और ये एल्कलॉइड टर्म मिसनर साहब ने दिया था। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए यहां पर। ठीक है, ग्रिफिन क्या किए, एचएलबी स्केल दिए, सीके कोटाटे ये क्या है, इंडियन फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, सीए सिडलर साहब क्या है, इन्होंने एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका अपनी बुक लिखी, दूसरा इन्होंने टर्म फार्माकोग्नोसी इजाद किया, और तीसरा ये फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी है। दूसरा क्वेश्चन है आपका मेयर रिएजेंट कंटेंस, आपके यहां पर बताना है कि मेयर रिएजेंट जो होता है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि मेयर ये नाम कहां से आया है। देखिए आपने एल्कलॉइड पढ़ा होगा, तो एल्कलॉइड के चार आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट कौन होता है, डैगनरॉक टेस्ट, दूसरा कौन सा होता है, हैगर टेस्ट, तीसरा मेयर रिएजेंट टेस्ट और चौथा वैगनर टेस्ट। ठीक है, तो ये चार टेस्ट होते हैं एल्कलॉइड के लिए। यहां पर आपको बताना है कि जो मेयर टेस्ट होता है उसमें मेयर रिएजेंट का यूज होता है और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। चिंता मत कीजिए, चारों के केमिकल कंपोजिशन टेस्ट नाम क्या होता है इन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मेयर रिएजेंट कंटेन, पहला ऑप्शन है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है आपका सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, तीसरा ऑप्शन है आपका पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन और चौथा ऑप्शन है आपका पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखिए एम फॉर मेयर रिएजेंट और एम फॉर मर्क्यूरी। ठीक है,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन जो होता है ये मियर रिजल्ट। अगर हम बात करते हैं ड्रैगन ड्रॉप तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हैगर रिएजेंट की तो इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड ये किसका है, हैगर रिएजेंट का। और अब आपका एक बचता है केवल वैगनर टेस्ट, तो वैगनर में क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये चारों केमिकल कंपोजिशन हमने डिस्कस कर लिए, स्क्रीन पे आपके दिए गए हैं, इनको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। इसी का भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसको तुरंत स्टार मार्क करना है और इनलिस्ट कर लेना है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली लिस्ट में। अगला क्वेश्चन आपका करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कैफीन एल्कलॉइड। देखिए वहां तो हमने जनरल एल्कलॉइड जो होते हैं उनके लिए टेस्ट डिस्कस कर लिए, लेकिन आपका जो कैफीन एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग होती है उनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका विटाली मोरिन टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है म्यूरोक्साइड टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है मेयर टेस्ट, और चौथा ऑप्शन है मिकोनिक एसिड टेस्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ऑप्शंस को क्या करिए, एलिमिनेट कीजिए। देखिए मेयर टेस्ट हमने पढ़ लिया है, ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ये सभी एल्कलॉइड के लिए टेस्ट है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कैफीन के लिए। तो तीन ऑप्शन बचे, अब तीन में आपको छांटना है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका म्यूरोक्साइड टेस्ट। जितनी भी कैफीन कंटेनिंग एल्कलॉइड ड्रग होंगी वो स्पेसिफिक टेस्ट फॉलो करती है, कौन सा, म्यूरोक्साइड टेस्ट। ठीक है, और यहां पर आपका पहला ऑप्शन है विटाली मोरिन टेस्ट। तो विटाली मोरिन टेस्ट जितनी भी ड्रग ट्रोपेन एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग होती हैं उनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है विटाली मोरिन टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट, विटाली मोरिन टेस्ट फॉर ट्रोपेन एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग। अगला है आपका मेयर टेस्ट, इसके लिए हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और चौथा ऑप्शन है मिकोनिक एसिड टेस्ट। तो देख लीजिए मिकोनिक एसिड के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मिकोनिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो वो है आपका ऑप्शन ओपियम पापावर सोमनीफेरम फैमिली पापावेरेसी। ठीक है, ओपियम के अंदर एकमात्र मिकोनिक एसिड होता है जो कि पाया जाता है, और मिकोनिक एसिड को हम डिटेक्ट करते हैं किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओपियम के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्यूनिन एंड क्यूनिडीन इज डिफर इन, आपको बताना है कि जो क्यूनिन है और क्यूनिडीन ये दोनों केमिकल किसमें पाए जाते हैं, सिंकोना में पाए जाते हैं, है ना, और इसमें डिफरेंस पूछ रहा है कि ये एक दूसरे से किस तरह से अलग है। पहला ऑप्शन है आपका केमिकल स्ट्रक्चर, क्या इनका केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, दूसरा ऑप्शन है आपका सॉल्युबिलिटी में, तीसरा ऑप्शन है इन रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, और चौथा ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो है इन रोटेटिंग प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। देखिए समझिए कहानी इसकी क्या है, सिंकोना जो है, सिंकोना जो ड्रग है ये हमारी एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, कैसी ड्रग है, एंटी मलेरियल, मलेरिया जब हो जाता है तब हम सिंकोना को यूज करते हैं। चार स्पीसीज होती है इसकी, ठीक है, फैमिली रूबिएसी होती है, और स्पीसीज अगर नाम बताएं हम तो इनके बॉटनिकल नेम क्या होते हैं, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ससिरुब्रा, सिंकोना लिडजेरियाना और सिंकोना ऑफिसिनेलिस। ये चारों स्पीसीज हैं किसकी, सिंकोना की, और सिंकोना के बॉटनिकल नेम के साथ साथ इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, रूबिएसी याद रखना, पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्यूनोलिन कंटेनिंग ड्रग है ये। ठीक है, इसके अंदर क्यूनिन क्यूनिडीन वगैरह पाई जाती हैं। यही क्वेश्चन है आपका कि क्यूनिन और क्यूनिडीन एक दूसरे से किस तरह भिन्न है, हमने बताया आपको कि एक जो है क्यूनिन ये लिवोरोटेटरी है, मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड की ओर टेंड करती है, जबकि जो क्यूनिडीन है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, दैट मीन्स ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट साइड की ओर टर्न करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या है इसमें, एक जो है लिवोरोटेटरी है और जो क्यूनिडीन है हमारी ये क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। एक दूसरा भी डिफरेंस है, क्यूनिन जो है ये एंटी मलेरियल रेस्पॉन्स रखती है और क्यूनिडीन जो है ये कार्डियक एरिथमिया में यूज होती है, दैट मीन्स हार्ट के ऊपर एक्टिविटी शो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच वन ऑफ दीज इज कॉल्ड इंडियन टोबैको, आपको बताना है कि इंडियन टोबैको हम किसको बोलते हैं। तुरंत नाम आ जाएगा आपके क्या, निकोसियाना टोबैकम, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है लोबेलिया, दूसरा ऑप्शन निकोसियाना, तीसरा ऑप्शन है कोका लीव्स, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है लोबेलिया। लोबेलिया को हम इंडियन टोबैको के नाम से जानते हैं, साइनोनेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम दो तीन क्वेश्चन आएंगे आपके 25 क्वेश्चन में से सिर्फ साइनोनेम्स से। ठीक है, तो इसका अगला ऑप्शन है आपका निकोसियाना टोबैकम। ये निकोसियाना टोबैकम जो है टोबैको है लेकिन इंडियन टोबैको नहीं है। ठीक है, कंफर्म कीजिएगा, कोका लीव्स ट्रोपेन कंटेनिंग ड्रग है ये, ट्रोपेन कंटेनिंग जो एल्कलॉइड्स होती हैं वो ड्रग है कोका लीव्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका डीडली नाइट सेड लीव्स इज द साइनोनिम्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, आएगा कंफर्म आएगा।
ठीक है। डिडली नाइट से ब्लिप किसको बोलते हैं? पहला ऑप्शन है आपका हायसियमस नाइगर, दूसरा ऑप्शन है धतूरा स्ट्रोमोनियम, तीसरा ऑप्शन है बेलाडोना और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो एट्रोपा बेलाडोना जो होता है उसको हम बोलते हैं डिडली नाइट शेड लीव्स, ठीक है। और इन सबकी जितने भी ऑप्शन है आपके, इसमें एक कॉमन चीज है, हायसियमस नाइगर, धतूरा स्ट्रोमोनियम और बेलाडोना, ये सारे के सारे क्या है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और सारे के सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, किलर किलानी टेस्ट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई फॉर, मतलब कि किलर किलानी टेस्ट जो हम करते हैं वो किसके लिए स्पेसिफिक होता है, मतलब किसके लिए रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। पहला ऑप्शन आपका ए ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड, तीसरा ऑप्शन है बोथ ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो देखिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे डिजिटेलिस के बारे में तो वहां पर हमने आपको बताया था कि बहुत सारे केमिकल्स डिजिटेलिस रखती है। सबसे पहली बात तो डिजिटेलिस जो है ये कार्डियोटॉनिक ड्रग है, कार्डियोटॉनिक मतलब ऐसी ड्रग्स जो हार्ट के ऊपर अपनी एक्टिविटी शो करती हैं, उनको हम कार्डियोटॉनिक बोलते हैं। केवल दो ड्रग है आपके सिलेबस में, कौन कौन सी, डिजिटेलिस और अर्जुना, ठीक है। तो डिजिटेलिस परप्यूरिया इट इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ डिजिटेलिस, एंड व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ डिजिटेलिस, फॉक्स ग्लोव या फेरी ग्लोव। फॉक्स ग्लोव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइनोनिम्स पूछा जा सकता है, ये जीपैड से लेकर नाइपर डीआई सब में पूछा गया है, है ना, तो आपके भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो फॉक्स ग्लोव किसका साइनोनिम्स है, डिजिटेलिस का। फैमिली क्या होती है, स्क्रोफुलेरेसी, ठीक है, स्क्रोफुलेरेसी इज द फैमिली ऑफ डिजिटेलिस। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में कि ये किलर किलानी टेस्ट स्पेसिफिक और किसके लिए स्पेसिफिक है ये, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम ग्लाइकोसाइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसकी हाइड्रोलिसिस से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है हमें ग्लाइकॉन पार्ट और एक मिलता है ए ग्लाइकॉन पार्ट, ठीक है। ग्लाइकॉन पार्ट जो होता है ये हमारा सुगर होता है, सुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, और ए ग्लाइकॉन पार्ट जो होता है वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए मशहूर होता है, मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर जो किलर किलानी टेस्ट है ये डिजिटेलिस के अंदर एक सुगर पाई जाती है, डी ऑक्सीराइबोज सुगर, है ना, उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके लिए टेस्ट रिस्पॉन्स करता है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक ग्लाइकॉन पार्ट का काम क्या होता है, वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, मतलब कि कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी जो है वो एक ग्लाइकॉन पार्ट देता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक ग्लाइकॉन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या थेरोपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्लाइकॉन पार्ट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो भैया ग्लाइकॉन पार्ट जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस लिए, जो ए ग्लाइकॉन पार्ट है उसको साइट ऑफ अप्लीकेशन से लेके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचने के लिए जब वो एक जगह से दूसरे जगह इमिग्रेट करेगा तो कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, है ना, तो वही एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ग्लाइकॉन पार्ट। तो बिल्कुल भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपका वीक नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्राई टर्पेनॉइड साइपोनिन्स आर प्रेजेंट इन, आपको बताना है कि ट्राई टर्पेनॉइड साइपोनिन्स कौन सी ड्रग कंटेन करती है। पहला ऑप्शन है आपका अर्जुना बार्क, दूसरा ऑप्शन है आपका ब्लैक अटैचू, तीसरा ऑप्शन है बहरा, जो हरा बहरा होता है ना वो, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है अर्जुना, ठीक है। अर्जुना के अंदर तीन तरह के टर्पेनॉइड पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राई टर्पेनॉइड कंटेनिंग ड्रग। वो कौन कौन से हैं, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनोलिक एसिड एंड अर्जुजेनिन, ठीक है, ये तीनों टर्पेनॉइड है जो किसमें पाए जाते हैं, अर्जुना में। अर्जुना के बारे में अगर बात करते हैं तो अर्जुना क्या है भैया, टर्मिनेलिया अर्जुना, इसका नाम है बोटेनिकल, ठीक है, टर्मिनेलिया अर्जुना। और इसकी फैमिली क्या होती है, चलिए इसको कमेंट सेक्शन में हमें आप बताना कि अर्जुना की फैमिली क्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, टर्मरिक पजेस येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अब आपको बताना है कि जो हल्दी होती है ना, कुरकुमा लौंगा फैमिली जिंजिबेरेसी, इसका पीला कलर किस कारण होता है। पहला ऑप्शन है आपका क्यूरक्यूमिन, दूसरा ऑप्शन है टर्मिनॉन, तीसरा ऑप्शन है क्यूरक्यूमेंस और चौथा ऑप्शन है फिलेंड्रॉन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है क्या, क्योरक्यूमिन। क्योरक्यूमिन जो होती है उसी के प्रेजेंस के कारण इसका येलो कलर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, साइनोनिम से ही रिलेटेड है, मा हुआंग इज साइनोनिम्स ऑफ, आपको बताना है कि मा हुआंग चाइनीज लग रहा है ना थोड़ा सा, तो मा हुआंग किसका साइनोनिम्स है। पहला ऑप्शन है नक्सोमिका, दूसरा ऑप्शन है विनका, तीसरा ऑप्शन है इफेड्रा और चौथा ऑप्शन है रॉल्फिया। तो भैया टिक करके रख लीजिए, इफेड्रा का मा हुआंग साइनोनिम्स होता है, क्या होता है, इफेड्रा सिनिका, है ना, इसी का साइनोनिम्स होता है माहुआंग। पहला ऑप्शन आपका नक्सोमिका, नक्सोमिका का साइनोनिम्स क्या होता है, इसको हम कुचला कहते हैं, है ना, याद है कुचला, या इसका एक दूसरा साइनोनिम्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोफिग, ठीक है, तो क्रोफिग या कुचला,
किसका है? स्ट्राइकोनस नक्स ओमिका। स्ट्राइकोनस नक्स ओमिका की फैमिली बड़ी अलग होती है, क्या होती है भाई? लोएगनेसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नक्स ओमिका जो होती है ये रोडेंटिसाइड की तरह यूज की जाती है, मतलब कि जो चूहे वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए यूज की जाती है, और इसका साइनोनिम्स होता है क्रोफिग या कुचला, और इसकी फैमिली क्या होती है? लोएगनेसी, लेगुमिनेसी नहीं, लोएगनेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका विनका, भैया बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी साइनोनिम्स के दृष्टिकोण से है। विनका कैथरेंथस रोजियस, फैमिली एपोसाइनेसी। एक और ड्रग थी जिसकी फैमिली एपोसाइनेसी थी, कौन सी थी? राउल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा जिसको हम बोलते हैं, है ना, इसकी भी फैमिली क्या थी? एपोसाइनेसी। तो अगर हम बात करें विनका का साइनोनिम्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरीविंकल। क्या है? पेरीविंकल इज द साइनोनिम्स ऑफ विनका, ठीक है, कैथरेंथस रोजियस। अगला है ऑप्शन आपका राउल्फिया सर्पगंधा, बता दिया हमने पहले ही आपको। अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल ऑफ लीफ, मतलब कि ऐसी ड्रग जो लीफ से प्राप्त की जाती है उनका एग्जाम्पल कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका डिजिटैलिस, दूसरा ऑप्शन है बेलाडोना, तीसरा ऑप्शन है वसाका, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो क्या है भैया? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। डिजिटैलिस, बेलाडोना, वसाका, सारी की सारी ड्रग लीफ से कलेक्ट की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन टू फॉर्म ग्लूकोरेजिन, आपको बताना है कि किस कॉम्बिनेशन से ग्लूकोरेजिन कंपोजिट होता है, कंपोजिशन है। पहला ऑप्शन है आपका वोलाटाइल ऑयल गम प्लस रेजिन, मतलब तीनों चीज, वोलाटाइल ऑयल गम प्लस रेजिन, क्या ये होता है ग्लूकोरेजिन? दूसरा ऑप्शन सुनिए, वोलाटाइल ऑयल प्लस रेजिन, क्या इसको हम बोलेंगे? तीसरा ऑप्शन है शुगर प्लस रेजिन, क्या इसको हम बोलेंगे? या चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। देखिए ऑल ऑफ द एबव तो होना ही नहीं है। अब देखिए ग्लूकोरेजिन मतलब ग्लूकोज मतलब शुगर, शुगर और रेजिन जब इन दोनों को हम कंपोजिट करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोरेजिन, ठीक है। और जो पहला ऑप्शन है आपका वोलाटाइल ऑयल प्लस गम प्लस रेजिन, इसको हम बोलते हैं ओलियोगम रेजिन, मतलब वोलाटाइल ऑयल भी है, गम भी है, रेजिन भी है, ठीक है। तो ओलियोगम रेजिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग ओलियोगम रेजिन है। पहला ऑप्शन आपका मिर, दूसरा ऑप्शन है एसाफोटिडा, तीसरा ऑप्शन है गुगुल। तो कौन सी इसमें से? यार तीनों की तीनों ओलियोगम रेजिन, तुरंत एक टेबल बनाइए और लिख लीजिए ओलियोगम रेजिन आर कौन कौन सी, गुगुल, एसाफोटिडा, मिर। ये तीन ड्रग आपके सिलेबस में है जो कि वोलेटाइल ऑयल भी कंटेन करती है, गम भी रखती है और रेजिन भी कंटेन करती है, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका वोलेटाइल ऑयल प्लस रेजिन, मतलब ऐसी ड्रग्स जो वोलेटाइल ऑयल को कंटेन करें और रेजिन को कंटेन करें, इनको हम बोलेंगे ओलियो रेजिन, ठीक है। तो ओलियोगम रेजिन में तीनों चीजें, ओलियो रेजिन में केवल वोलेटाइल ऑयल और रेजिन, और ग्लूको रेजिन में केवल शुगर और रेजिन, ठीक है। तो ये कंपोजिशन है, एकदम क्लियर कीजिए, कंफर्म कीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन ऑफ टैनिन्स, टैनिन्स का एप्लीकेशन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका इट इज यूज एज माइल्ड एंटीसेप्टिक, दूसरा ऑप्शन है आपका इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड टू चेक स्मॉल हेमोरेज, तीसरा ऑप्शन है यूज इन लेदर एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो भैया ऑल ऑफ द एबव, एक स्पेसिफिक अलग फंक्शन होता है इसका। जितने भी टैनिन कंटेनिंग ड्रग होती हैं आपकी, अकेसिया कटैचो वगैरह की बात कर रहे हैं, ब्लैक कटैचो या अकेसिया कटैचो, ठीक है, तो ये टैनिन कंटेनिंग ड्रग है आपकी, और इनके अंदर एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट? एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट जब हम पहला पार्ट आपको दिए थे तो उसमें भी बताया था कि टैनिन्स कंटेनिंग जो ड्रग्स होती हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी रखती हैं, जैसे कि फिटकरी वगैरह है, ये उसी तरह से टैनिन्स भी एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट रखती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज, आपको यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है क्रूड ड्रग का। आपने पढ़ा होगा डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्रूड ड्रग, एक ट्रिक भी हमने बताई थी, कौन सी? एटीएम पीसी स्क्वायर। लेक्चर पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपको रह नहीं जाएगा वहां पर, ठीक है। तो देखिए वहां पर हमने बताया था आपको कि जो कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो आपका मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को मर्ज करके, दोनों को जोड़कर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमिकल, और ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको स्टार मार्क करना है। देखिए अगला, इसमें पहला ऑप्शन है आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको हम बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है, तो आपको और करके लिख लेना। दूसरा ऑप्शन है आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है
कि कौन से सब क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के। तो देखिए मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में मतलब जिसके अंदर सेलुलर पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हम लीफ से अगर कोई ड्रग कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जैसे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, वेन आइसोलेट नंबर होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे, ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। रूट से अगर हम कोई ड्रग कलेक्ट कर रहे हैं तो रूट के उसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो उसके अंदर होंगे, जाइलम फ्लोएम वगैरह, है ना। लेकिन अगर हम किसी भी ड्रग को कोई एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उनसे कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे गम है, हनी है, ट्रेगाकैंथ है, ये सारे क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, मतलब इनके अंदर किसी भी तरह का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब सेल्स वगैरह इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं हनी, हनी में क्या मिलेगा आपको, कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर मिलेगा? आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये हमें कहां से मिला है? नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। गम ले लीजिए, गोंद, तो गोंद में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर है? नहीं है। अब नहीं है इसलिए कौन सी ड्रग है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगी तो उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है तो उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेगाकैंथ इज सब क्लासिफाइड अंडर, अब आपको बताना है वहां पर किसके अंदर आएगी। सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आई, लेकिन किसके अंदर और किसके अंदर आई? ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेलुलर पार्ट नहीं है, ठीक है। तो कंफर्म कीजिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, अच्छा एक चीज और रहेगी, थेरोपेटिक क्लासिफिकेशन आपका एक होता है, थेरोपेटिक क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सभी के दो दो नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को लिख लेना है, कोई भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आपका बन सकता है। ऐसे ही नहीं कहता हूं मैं कि मेरे 25 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जहां से बन सकते हैं मैं आपको वो चीज बताने की कोशिश करता हूं, वो समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। अगला क्वेश्चन है हमारा ड्रॉबैक ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। जो अल्फाबेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके ड्रॉबैक क्या है, डिमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमसे सुन लीजिए, बाद में ऑप्शंस को हम देखेंगे। देखिए अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई ड्रग ए से है स्टार्ट हुई है तो उसको हम ए वाली जितनी भी ड्रग होंगी ए कैटेगरी में रख देंगे, बी से स्टार्ट है तो बी वाली जितनी भी ड्रग होंगी उनको हम ए कैटेगरी में रख देंगे, सी वाली जितनी भी ड्रग है सबको एक कैटेगरी में रख देंगे, मतलब सी वाले ही क्लासिफिकेशन में रखेंगे, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमें ना ड्रग के केमिकल नेचर के बारे में पता चल रहा है कि आखिर इस ड्रग के अंदर कौन सा केमिकल है। जैसे बात कर लेते हैं, ए वाली कैटेगरी में हमने क्या रखा, आंवला रखा और एलॉय रखा। अब आंवला का केमिकल कंपोजिशन हमें ना पता है, ना एलॉय का पता है, ना इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पता है, ना एलॉय का पता है। तो देखिए हमें अल्फाबेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ड्रग के ना तो केमिकल के बारे में पता चलता है कुछ, और ना ही उसके एक्शंस के बारे में पता चलता है, और ना ही उसके ओरिजिन के बारे में पता चलता है कि ये ली किससे गई है, भाई बॉटनिकल नेम इसका क्या है, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं किसके, अल्फाबेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, ठीक है। एक एडवांटेज भी बता देते हैं आपको, एडवांटेज क्या है कि ए वाली जितनी ड्रग होंगी जब एक बार रख दी जाएंगी तो दोबारा से कोई भी ड्रग कंफ्यूजन में दूसरी कैटेगरी में नहीं रखी जाएगी, क्योंकि भाई अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो ए वाले में ही रखी जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसकी ओवरलैपिंग हो जाए बी वाले में भी हम ए वाले को रख दें, नहीं हो सकता, है ना। तो ओवरलैपिंग ऑफ ड्रग जो होती है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं होती है, और ये ही मात्र केवल इसका एडवांटेज है। अब चलिए ऑप्शन हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉबैक ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला ऑप्शन आपका, इट डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट पार्ट व्हिच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। देखिए यहां पर यह नहीं पता चला हमको कि ये लीफ से ली गई है, भाई आंवला है, आंवला में हमने क्या लिया, लीफ लिया है, फ्रूट लिया है, सीड लिया है, पता है कुछ नहीं पता है। एलॉय है, एलॉय में हमने क्या लिया है, हमें कुछ नहीं पता है, है ना। तो इस यही कह रहा है कि यहां पर सोर्स ऑफ ड्रग क्या है वो हमें नहीं पता चल रहा है, किस सिस्टम में, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, है ना। दूसरा ऑप्शन है आपका, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। अगला ऑप्शन है आपका, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। किसी भी तरह की थेरोपेटिक रेस्पॉन्स के बारे में ये हमें जानकारी नहीं देता है। अगला ऑप्शन है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आपका, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज आल्सो नोन एज। भैया पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम का दूसरा नाम क्या होता है,
थेरोपेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। पेरीविंकल इज द साइनोनिम्स ऑफ किसका है, पेरीविंकल विंका का, ठीक है। और सिंकोना के क्या होता है, पेरुवियन बार्क होता है, ठीक है। वसाका एडाटोटा इसका नाम होता है। अगला है आपका हायोसियमस, बहुत इंपॉर्टेंट, हायोसियमस को स्टार मार्क कीजिए। हेनबेन इज द साइनोनिम्स ऑफ हायोसियमस, हायोसियमस नाइगर फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है साइनोनिम्स आपका। हॉली बेसिल इज साइनोनिम्स ऑफ, आपका अगला क्वेश्चन है हॉली बेसिल किसको बोलते हैं, तुलसी का नाम सुना होगा आपने, ऑसिमम सैंक्टम, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, हॉली बेसिल इज साइनोनिम्स ऑफ, पहला ऑप्शन है ऑसिमम सैंक्टम, दूसरा ऑप्शन है एडाटोटा वसाका, तीसरा ऑप्शन है कोरिएंडम सटाइवम और चौथा ऑप्शन है कैरम कैरवे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तुलसी। इसको हम हॉली बेसिल या सैक्रेड बेसिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तुलसी का बॉटेनिकल नेम क्या है, ऑसिमम सैंक्टम। फैमिली क्या होती है, लेबिएसी। देखिए लेबिएसी दो ही ड्रग हैं जिनकी फैमिली होती है, तो तुलसी हो गई, दूसरी मेंथा पाइपरेटा पिपरमेंट ऑयल, ठीक है, जिससे हम प्राप्त करते हैं। ये दोनों की फैमिली क्या है, लेबिएसी। इस तरह से आपको याद करना है कि कंफ्यूजन ना होने पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच वन ऑफ दीज इज करेक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला ऑप्शन आपका इंडियन सेना केसिया एक्यूटिफोलिया, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडेरियन सेना केसिया एंगस्टिफोलिया, तीसरा ऑप्शन है टिनी वेली सेना, इसके सामने लिखा है इंडियन सेना, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है।